फीलिंग लो, फीलिंग एज इफ यू आर जस्ट अनदर फेलियर इन द वर्ल्ड एंड कुछ नहीं होने वाला एंड नथिंग इज गोइंग योर वे. आई डोंट नो, ये सब चीज़ें फील हो रही हैं क्या? इफ येस देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वन. I actually wanted to talk about this for a long, long while. अभी रिसेंटली मैं ऐसा दोबारा हुआ. थिंग इज़ नोबडी इज़ इम्यून टू फीलिंग लो और फीलिंग एज इफ दे वोंट बी एबल टू अचीव समथिंग, बिकॉज इवन वेन यू आर एट द वेरी वेरी टॉप ऑफ योर यू नो परफॉर्मेंस एंड एवरी थिंग, यू ऑलवेज एस्पायर टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. एंड वेन यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट और इफ़ इट सीम्स कि तुम अचीव नहीं कर पाओगे, तब बहुत लो फील होता है. ट्रस्ट मी आई नो इट, बिकॉज अभी रिसेंटली आई वॉज एडमिटेड एट द हॉस्पिटल बिकॉज मुझे डेंगू था एंड डेंगू डेंगी वॉट एवर एंड आई नो मैं उस समय कुछ नहीं कर सकता, राइट? सो आई वॉजेंट फीलिंग लो बिकॉज ऑफ दैट, बट आई वॉज फीलिंग लो बिकॉज यार आई वॉजेंट अकम्पलिशिंग वॉट आई रियली वॉन्टेड टू डू इन माई लाइफ एट दैट पॉइंट. पता नहीं, फीलिंग होती है, इट्स नेवर राइट नॉर रॉन्ग, इट्स जस्ट अ फीलिंग. यू फील अंदर से थोड़ा हॉलो हॉलो सा, थोड़ा सैड सा, स्पेशली जब आप थोड़े अकेले बैठे होते हो तब, देन दोज फील्स कम बैक टू यू. नाउ इसमें टू गेट ओवर दिस फीलिंग, इसमें मैं दो तीन चीज़ें कहूँगा. फर्स्ट थिंग इज़ टू एक्सेप्ट कि यार हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है. बहुत लोग आई फाउंड कि डिनाइल में जीते कि नहीं आई एम ओके, जस्ट एक फेज है. इट्स नेवर अ फेज, इट्स अ प्रॉपर फीलिंग. देयर यू कैन डू समथिंग, यू कैन चूज टू डू समथिंग अबाउट इट और यू कैन चूज नॉट टू डू समथिंग अबाउट इट. सो चूज टू डू समथिंग अबाउट इट. एंड अब आते हैं हम, जब आप चूज़ कर लेते हो टू डू समथिंग अबाउट इट, अब तब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे, विच इज़ टू लिस्ट डाउन कि क्यों ऐसा फील हो रहा है. मतलब कई बार देयर माइट बी सम टाइम्स जब आपको एक्चुअली नहीं पता होगा वाई आर यू फीलिंग दैट, तब एंड यू माइट हैव टू एक्चुअली सिट डाउन टू आइडेंटिफाई यार ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे एंड स्टफ. बट आई वुड सजेस्ट यू सिट डाउन एंड एक्चुअली नोट डाउन कि यार वाई आर यू फीलिंग द वे यू आर. लाइक इन माई केस आई रियलाइज कि एग्ज़ाम्स मेरे अच्छे नहीं हुए, फिर उसके अलावा इवन ऑन यूट्यूब आई वॉजेंट मेकिंग अलॉट ऑफ कंटेंट. आई हैड अनएडिटेड कंटेंट जो कि मेरे पास रखा हुआ है एंड डिफरेंट चीज़ें हैं. उसके अलावा मतलब इवन फ्रॉम माई एस्पेक्ट ऑफ माई डिपार्टमेंट आई वॉन्टेड टू बी एट अ बेटर पोजिशन एंड बहुत सारी चीज़ें होती है. आपको खुद ही अंदर अंदर लग रहा होता है एंड समटाइम्स यू वोंट इवन नो कि यार मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था. तो उसके लिए यू नीड टू प्रॉपरली सेट डाउन एंड लिस्ट डाउन योर रीजंस व्हाई आर यू फीलिंग दैट वे. अब आते हैं हम स्टेप थ्री पे. स्टेप थ्री में देयर माइट बी टू काइंड ऑफ रीजंस. वन, जिन पे आप वर्क कर सकते हो टू गेट देम ऑफ द लिस्ट. मतलब कि आप हो सकता है उन रीजंस पे काम कर लो तो यू माइट गेट ओवर द फीलिंग कि यार हम इसमें अनसक्सेसफुल रहे या समथिंग लाइक दैट, कि यार ये चीज़ नहीं कर रहे हैं. तो उन चीज़ों पे वर्क करो. फॉर एग्जांपल कि आई रियलाइज कि यार मैंने इस बार एग्ज़ाम्स बहुत फ्लंक कर दिए अपने, मतलब अच्छे नहीं गए, तो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं अपने मेजर्स अच्छे कर लूँ टू पुट माई बेस्ट इन माई मेजर्स. ये मैं कर सकता हूँ टू गेट ओवर दैट फीलिंग. तो आई विल बी डूइंग दैट, ऐसा कुछ कर सकते हैं. तो दिस वुड कम इन द फर्स्ट कैटेगरी. एंड द सेकेंड कैटेगरी इज जिसमें यार दीज आर लाइक पर्सनल मैटर्स या फिर कोई पास्ट रिलेटेड ट्रॉमा हो सकता है विच इज़ जस्ट कमिंग बैक टू यू एंड मेकिंग यू फील लो. तो ऐसी चीज़ों के बारे में इट वुड बी बेस्ट टू यू नो लाइक फॉरगेट अबाउट देम या फिर टू गेट ओवर देम. बट एंड जितना इजी बोलना होता है उतना इजी करना नहीं होता है फील.
सो टू एक्चुअली गेट ओवर देम, व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज कि ट्राई टू लर्न अ न्यू एक्टिविटी, स्टार्ट डूइंग अ न्यू थिंग विच रियली एंगेजेस योर माइंड, एंड सून यू विल गेट ओवर इट, वॉट एवर इट इज विच इज ट्रबलिंग यू. मतलब आई फील कि कोई भी नई एक्टिविटी ना बहुत ज़्यादा दिमाग को इंगेज कर लेती है, एंड कहीं ना कहीं यू फॉरगेट अबाउट लाइक जो पुरानी चीज़ें, हो सकता है आपके दिमाग को काफ़ी एक्टिवली ऑक्यूपाई कर रहे हो. सो दैट वुड बी अ रियली गुड वे टू गेट ओवर थिंग्स. ऐसे आप इन फीलिंग्स को ओवरकम कर सकते हो. एंड मतलब क्योंकि वाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज आई हैव फेस दिस पर्सनली, एंड ऐसा नहीं है एक बार, कई बार. सो आई जनरली ट्राई टू डू दिस. या बाहर मान लो अगर किसी दिन बहुत ही एक्सट्रीमली लो फील हो रहा है ना, तो उस दिन जाके बाहर वॉक पे जाओ, बहुत प्यारा लगता है, एक्चुअली बहुत प्यारा लगता है. या अपने किसी पुराने दोस्त को कॉल लगा लो एंड उसके साथ बैठ के थोड़ी देर बातें करो, अच्छा लगेगा. मतलब इफ़ देयर इज़ नो एक्चुअल रीज़न इन्वॉल्व फॉर ए सिचुएशन एंड बस ऐसे ही लो लग रहा है, तो दीज टू थिंग्स आर द लाइक वन ऑफ द बेस्ट, एंड आई हैव एक्चुअली डन देम. सो यू कैन डू वन ऑफ दीज थिंग्स. एंड बाकी ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. इट्स आई गेट, इट्स वन लाइफ, वर्क हार्ड, हसल हार्ड, आगे बढ़ना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल वेलबींग. मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला भी था अभी रिसेंटली, बिकॉज आई वॉज टेकिंग टू मच स्ट्रेस एंड स्टफ. बट या आई वुड रिकमेंड इट टू यू गाइज एज वेल. पता नहीं आज लगा कि आई जस्ट नीडेड टू शेयर दिस. सो या आई डेड सी या बाय बाय, टेक केयर एंड मचाते रहो गाइज. चलो.